कपड़े निकल रहे हैं ना भाई, वो कहाँ से कैसे कपड़े प्रेस करने के, इतने वॉश करने के, इतने अरेंज जो मुझे रखना पड़ता है वो सब करने के लिए, इतने कपड़े, दो दिन से मैं कंटिन्यू कपड़ों में ही हूँ, कपड़ों के बीच में ही लगी रही हूँ, काम में ही हूँ। तो बस अभी मेरा सारी मेरे जो कुर्तियाँ वगैरह थे वो मैंने अभी बस देखो ये सारी ये सब कपड़े प्रेस करने थे, तो वो सब की थोड़े से जैसे दोपहर को भी मैंने कपड़े प्रेस किए थे और कल रात को 9:30 बजे से बैठी थी, तो वो सब किए। और एक लोग मुझे अपलोड करना था तो वो भी किया। तो फिलहाल कपड़ भी कितना मैं ठीक से रखूँ ना, फिर भी वो सब कपड़ तो यू नो ऐसे ही फेल ही जाता है सारा। और सुबह थोड़ा सा जरासन वगैरह आया था, उसे भी मुझे सेट करना है, क्या बनाना है खाने को, तो सारा जो जरासन आया उसे भी अरेंज करना है, तो वो भी करती हूँ साथ में। तो ये सब है घर का जो जरासन वगैरह मंगवाया था। और ये गाइस देखो, कबीर और दोनों का मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया, दोनों बाप बेटे हर रोज़ का, रात को जब भी आते हैं जेस तो बस ऐसे ही बाप बेटे का दोनों का मस्ती चलता रहता है। कबीर ऊपर चढ़ता कुछ ना कुछ उसके पापा के साथ करता रहता है, तो अभी देखो वो उसे पता है वीडियो बन रहा है तो सोने का नाटक कर रहा था। तो ये हर रात का मेरे घर का एक सीन है, एवरी नाइट ये बाप बेटे का यही एक अच्छा सा मोमेंट रहता है दोनों का। और अभी दूसरा दिन हो गया है मेरा व्लॉग का, एंड गाइस ये व्लॉग मेरा 2-3 दिन से ही बन रहा है, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी ये वाला व्लॉग 2-3 दिन के लिए, मैं थोड़ा सा मेरा कुछ पर्सनल काम था उसमें बिजी हो गई थी, और मुझे पुराने व्लॉग में भी कमेंट करते हैं कि प्लीज़ दी अपना व्लॉग अपलोड करो, लेकिन 2-3 दिन से गाइस मैं बहुत बिजी थी पर्सनल काम के में। सो बस फाइनली हो गया, सब अच्छे से काम हो गया है, तो आज मैंने सोचा कि अपना वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो बस और ये संडे का क्लिप है मॉर्निंग का, जब कबीर और उसके पापा बहुत सारे बलून्स लेकर आए हैं, सो ये वाला तो फैन के साथ ये देखो मजाक चल रहा है, और मैं वीडियो बनाने टाइम ही जेस को डांट रही थी, बोल रही थी कि प्लीज़ ऐसे मत सिखाओ, क्योंकि बाद में वो अकेला रहता है ना तो ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, सो मैं वो भी बोल रही थी प्लीज़ मत कुछ ऐसे मत कुछ करो ताकि कुछ प्रॉब्लम हो, और देखो वो डर भी रहा है वो कबीर मेरा यू नो ये कुछ भी ऐसे आवाज़ आ रहे वो ज़्यादा डरता है। तो दिस वो अभी दोनों बाप बेटे ट्राई कर रहे हैं बलून फुलाकर फोड़ने की, सो कबीर बोल रहा है अपने कानों पर हाथ रख रहा है और चिल्ला पी रहा है, और मैं किचन में हूँ तो किचन में से ही अपना वीडियो बना रही हूँ। देखो कानों पे हाथ रख लिया है लेकिन फाइनली वो फोड़ना है उसे, लेकिन डर भी रहा है लेकिन फूट जाएगा तब तक जब तक वो अपने कान नीचे कर लेगा तो फूट भी जाएगा। और ये भी संडे आफ्टरनून का ही क्लिप है, जो कबीर क्ले लेकर आया था और उसके साथ उसने कुछ ना कुछ बनाया है और कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि उसे गर्मी लग रहा है, तो मैंने बोला वीडियो बना रही हूँ तो नो मम्मा चलेगा आप प्लीज़ बनाओ, तो वो देखो बता भी रहा है कि मैंने मम्मा ये ड्रैगन बनाया है,
ये बैगन बनाया है। सो लेकिन बाहर बहुत बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा था, तो मैंने वो जो रियल है वो म्यूट कर दिया था, क्योंकि बाजू में ही कुछ पता नहीं था, आई थिंक जैसे भी आया था तो कुछ काम चल रहा है, तो बहुत शोर आ रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और देखो इसे उसने बनाया कार्टून, सुबह लेकर आया और सब अभी ख़त्म भी कर दिया पूरा। देखो आइसक्रीम कितना अच्छा बनाया है। और सॉरी गाइस, देखो इसने कपड़े नहीं पहने हैं, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और देखो उसे बोल रही हूँ कि तू कितना पतला पतला हो गया, और गिर गिर कर दोनों पैरों के उसने छिल दिए है। तो बच्चे अगर तूफानी हो ना, उसका असर पैरों से ही पता चलता है कि ये बच्चा कितना अच्छा है, ये कितना बैड बॉय है, तो उसके पैरों से ही पता चलता है, पूरे पैरों में लग लग जाती है उन्हें। तो वो उसने देखो अच्छे से सब बना कर रख दिया है, स्नोमैन बनाया है वो, एक कुछ पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ना कुछ बनाया है। और अभी संडे इवनिंग हो गया है, इवनिंग को इवनिंग है और संडे भी है, सो बाहर जाने का तो बनता है। तो बस हम लोग अभी बाहर निकले हैं और जा रहे हैं फर्स्ट हमारे पापा के घर, तो बस वहीं पर पहले निकले हैं। और देखो वीडियो में मतलब कि गाड़ी में सॉन्ग चल रहा है, इसलिए म्यूट कर दिया है मैंने। और यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं जय, सोना 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 थिंग पीछे है, शायद नहीं थी वो, चली गई थी, हाँ चली गई थी, नहीं है, है मुझे भी नहीं पता था, सोना है शायद, हाँ। तो बस कबीर थोड़ा सा मस्ती भी कर रहा है मेरे फ़ोन के साथ, देखो खा रहा कुछ नहीं, सो घर पर नहीं खाता, और ऐसे बाहर निकले तो खाना, उसे खाना याद आ जाता है, तो चिप्स लिया है। और अभी हम लोग रिटर्न हो गए हैं, मतलब कि पापा के घर से हम लोग जा रहे हैं चौपाटी। चौपाटी पर एक सेल आया है बहुत अच्छा, तो बस हम लोगों ने सोचा एक चक्कर लगवा के आते हैं कबीर को, थोड़ा सा मेले में जाकर आते हैं। सो फाइनली हम लोग चौपाटी आ गए। देखो मेला भी स्टार्ट हो गया ना, अब तो लॉकडाउन के बाद सब अच्छे से स्टार्ट हो ही गया है, अब इतना कुछ लॉकडाउन है नहीं। और सोना वीडियो बना रही है, शूट कर रही है, और मैं कबीर को लेकर बस थोड़ा सा कॉमिक्स वगैरह देख रही हूँ। लेकिन कुछ लिया ही नहीं हम लोगों ने, कुछ नहीं लेना था, सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाने गए थे कैसा आया है सेल। सो अच्छा है, सब चीज़ें भी अच्छी है। देखो ये वाला मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो ये बहुत महंगा था, लेकिन यहाँ से जो लेने में इतना अच्छा है ना, तो मैंने सोना को बोल रही तो कितना अच्छा है, घर पर अगर हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया था तो कितना महंगा पड़ा था, बट यहाँ पर और यहाँ पर बहुत अच्छा है उसका, और सब कुछ अच्छा ही था, सब मुझे अच्छा ही लगा। देखो सो यहाँ पर कितना सारा आचार है, बहुत सारा, और सब अलग अलग अलग, बहुत अच्छा ले सोने, मतलब कितना सारा था देखो। लेकिन हम लोग कभी ये बाहर वाला तो अच्छा, यहाँ पर सेल वगैरह में का कुछ वो नहीं लेते क्योंकि वो खुला रहता है। सो अभी देखो ना, ये देखो महामारी चल रही है, सो जब तक हम बाहर का ना वो सब खाए तो अच्छा रहता है। और गैस हम ज़्यादातर हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, तो वो भी एक ही तो एक या दो रेस्टोरेंट हमें जो जानते हैं वहाँ पर ही हम लोग खाते हैं, और बाहर का भी जो हम कोई लारी वगैरह है तो वो भी हम लोग जानते हैं वहीं पर खाते हैं, इसीलिए प्लीज़। देखो ये सोना बोल रहे थे कि ये वाला ले ले हेयर बैंड, लेकिन बहुत बड़ा था, लूज़ हो रहा था, तो मैंने नहीं लिया था। कबीर भी बोल रहा था उसे बोल लेना था, उसे क्या क्या लेना था पता नहीं, फिर भी मैं डांट रही हूँ और उसे बोल रही कि कुछ नहीं लेना यहाँ से, यहाँ पर यार तो एक बोल लिया था उसका भी आई थिंक 50 रुपीज़ का, तो बहुत कॉस्टली है वो सारा सामान भी, बट अच्छा है। तो एवरीवन अभी 7:30 बज रहे हैं और आज है संडे, तो हम सब गए थे। और गाइस, वो तो देखा ना फ्रेंड्स ने, ये देखो कभी ने सारा आप सब कुछ बनाया है ना, मैं आप तो बोल देता हूँ क्या क्या है। ये आइसक्रीम आशा तो दिखा था, ये झाड़ू, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ, मैंने तुम्हें कहा, ये है बैगन, नहीं ढूंढा मेरी टूटी, मुझे लगा तुम चली गई हमेशा, मिल नहीं खोलने वाली, मैं वहाँ अम्मा स्पा में 3 दिन से बैठी हुई हूँ, ये है तो थोड़ी अलग करने का, चक्री 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 गुजराती में, गुजराती लोगों की स्पेशल चक्री, ये है चक्री है, जिसे
ओके हो गया। अब भी जासूसी करके ढूंढा है। इसलिए मैं चल रही हूँ। पिद्दी, पिद्दी ताकि आप गेंद खुद से जासूस से थोड़ी देर के लिए पेट मिले। और मसाज से दिल और दिमाग को आराम मिले। ₹2,000 yes good boy so चलिए guys आज मेरा कल का जो ब्लॉग कल से ब्लॉग लगा स्टार्ट था सो अभी बाय बोल रही हूँ ब्लॉग खत्म करने का टाइम हो गया है आज फुल मतलब कि इवनिंग को बहुत अच्छा एंजॉय किया पापा के घर गए थे उसके बाद चौपाटी गए थे वहाँ सो इवनिंग को हम लोग चौपाटी गए थे को चौपाटी गए थे तो चलिए बाय मैं आपको कल मिलूंगी नए वाले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।